बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं और काफ़ी बवाल वाली होली होने वाली है ये। अभी आप लोगों को उसके लिए देखना पड़ेगा रंग जाऊँ तेरे रंग में। आज जो होने वाला है यानी होलिका, अगर आपने शूट की देखी होगी तो होलिका के बाद ये जो होली का सीक्वेंस आया है, ये सब बहुत ज़्यादा मसाला और बहुत सारा ड्रामा है, तो उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा। तो यहाँ से स्टोरी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। तो कुछ रिवील करना चाहेंगे कि क्या पर्टिकुलरली दर्शकों को देखने मिलेगा, मतलब ये सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? होली तो है, ये एक बात हो गई, लेकिन शो के हिसाब से क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है वो? देखिए ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको पता है कि हम लोग अलाउ होता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो अभी शो में आप जो देख रहे हैं, जो ध्रुव और धानी के बीच में चल रहा है, सृष्टि वापस उसकी लाइफ में आना चाह रही है, तो सृष्टि किस लेवल तक जाएगी लाइफ वापस आने के लिए, और क्या ध्रुव और धानी का रिश्ता सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि होली वाला दिन में 30वां दिन ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप लोगों को याद होगा सिर्फ 30 दिन ही शादी थी, उसके बाद धानी को अपने घर वापस जाना था। तो इसके लिए आपको होली वाली ये होली का ये एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं। सर ये विजन जो पर्टिकुलरली रोल प्ले कर रहे हैं, वो जो कैरेक्टर है आपका और जो पर्टिकुलरली आप हैं ऐसे इंडिविजुअली तौर पर, कितना डिफरेंस? हाँ वो पूरा बता दिया डिटेल। सर ये विजन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पर्टिकुलरली और जो इंडिविजुअल तौर पर आप हैं, कितना डिफरेंस है आपके कैरेक्टर में और आप में? मैं सच बोलूँ तो मैं अभिषेक पांडे ही हूँ रियल लाइफ, क्योंकि मैं खुद अपना एक छोटे भाई का बड़ा भाई हूँ, और जितना जिम्मेवार इस स्टोरी के अंदर अभिषेक पांडे है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैं जिम्मेदार हूँ अपने लाइफ में। तो जिस तरह से पूरी फैमिली को संभाल के रखता है, वेल नीट फैमिली को होल्ड करके रखता है, तो वैसा ही कैरेक्टर मेरा भी है रियल लाइफ में। हर शो जो भी शो आता है कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देता है, कुछ ना कुछ ऐसा सीख देता है दर्शकों को, ये शो का पर्टिकुलरली एम क्या है दर्शकों को दिखाने का, एंटरटेनमेंट के साथ क्या ऐसा चीज़ दिखाना चाहता है शो के माध्यम से? अगर आप सच पूछें तो हम अपने शो से यही बताना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं टीवी में, ये हर घर की प्रॉब्लम है, हर घर में ऐसी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन आप उस परेशानियों से आगे निकल कर किस तरह परिवार को संभालते हैं, इसका मैसेज ये है। दिक्कतें सबके घर में हैं, कोई दिखाता नहीं है, सबके घर में आपसी कलह होते हैं, रिलेशन टूटते हैं, बनते हैं, लेकिन कोई दिखाता नहीं है, कई लोग टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन हमारा शो ऐसा है वो बिखरने नहीं देता है। हमारे चाहे फादर हों, काशी जी हों, हमारा भाई हो, हम सब लोग अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो ये हमारे शो वैल्यूज़ का है, हम रिश्तों को छोड़ेंगे नहीं और जाने भी नहीं देंगे। तुम्हारा बंद कर दो, तुम्हारा फेल है अनुराग, यूज़लेस से कैमरा बंद करो, फिर तुम लोग बिना देखे लगाओगे तो ऐसे होगा। एक्शन बनो 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 प्लीज ये मार के दानी, तुम्हारा एक सेकंड में होल्ड पे जाना, रोलिंग एंड एक्शन। दूसरे ले गए आपको चार्ज, चार्ज करना, ऐसे दूसरे ले जा रहे थे, वन मोर चार्जिंग से रोल।